तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए पिछला साल बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा। न केवल उनकी निजी जिंदगी को लेकर ही सवाल उठे, पर घुटने की चोट ने भी उन्हें खूब परेशान किया। वापसी के लिए उनसे जमकर मेहनत करवाई। शमी, जिन्होंने 2015 के विश्व कप में 17 विकेट चटके थे, एक और विश्व कप के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि वे अंग्रेजी माहौल में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शमी ने NNIS के साथ की गई बातचीत में विश्व कप में अपने चयन, भारत की गेंदबाजी और अपने चोट को लेकर बात की और बताया कि क्या जसप्रीत बुमराह की खराब लय भारत के लिए नुकसानदेह है। देखिए, खुशी की बात जहाँ तक है, क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ है, आपको बहुत कम लोगों को खेलने के लिए मिलता है और बहुत लोगों को तो मिलता नहीं है। और जहाँ तक खुशी का सवाल है कि ये बेहनता खुशी की बात है किसी के लिए भी, मेरे लिए क्या एक वर्ल्ड कप जैसी चीज़ में लिस्ट में आपका नाम है तो एक बहुत बड़े बहुत गर्व की बात है, बहुत कॉन्फिडेंस हाई होने की बात है। और जहाँ तक 2015 का सवाल है, सेकंड चांस मिला है तो बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए और कोशिश करेंगे कि हाँ, जो कमी हमारी 2015 में रह गई थी तो हम उस कमी को दोबारा ना करें और बेटर करके हम लोग अपना टीम के लिए चैम्पियनशिप अपने कब्ज़े में करें। देखिए, जैसा मेरे लास्ट का जो 18 महीने निकले हैं, जो मैंने फिटनेस पे वर्क किया है, जो मेरा स्किल पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो आप मेरा परफॉर्म देख रहे हैं, मैं कोशिश वही करूँगा कि जो कंटिन्यू चल रहा था, जो अभी तक जो मैं करता आया हूँ 17-18 महीने से, मैं उस चीज़ को रिपीट करता रहूँ और अपनी कंट्री के लिए बेटर करता जाऊँ। जितना भी मेरी तरफ से जो कोशिश होगी वो बेस्ट होगी और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जितना इम्प्रूवमेंट हो सके मेरे लिए वो मेरी टीम के लिए बेटर होता है। देखिए, बहुत मुश्किल था क्योंकि नी इंजरी थी, सारा लोड नी के ऊपर आता है। जब एक फास्ट बॉलर बॉल डालता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम नी पे ही ज़्यादा लोड रहता है, एंकल्स और नी पे। सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए क्योंकि वेट पुट ऑन हो गया था, उसके बाद उसको रिड्यूस करना, ट्रेनिंग, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा यूज्ड टू नहीं था ट्रेनिंग का। अभी आकर जो मैंने उस इंजरी के बाद जो मैंने ट्रेनिंग शुरू किया तो उसका बेनिफिट मुझे अब आके दिख रहा है और वो इंटरेस्ट भी आपको दिख रहा है कि हाँ, मैं कितना लूज़ किया हूँ वेट को और कितना इम्प्रूवमेंट किया है स्किल में, क्योंकि बहुत मच बेटर फील हो रहा है। क्योंकि पहले ज़्यादा हैवी था तो लोड ज़्यादा था, थकान होता था, अभी बॉडी का फोर्स डिफरेंट है और फील बहुत बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है कि हाँ, अभी जो फील है और उस फील में बहुत डिफरेंस नज़र आता है। नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा, मैं कभी इस चीज़ के लिए सोचता नहीं कि हाँ, कौन प्ले कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैं अपने आप पर मुझे पूरा भरोसा रहता है कि जब मैं ऑन द फील्ड होऊंगा तो मैं अपने स्किल को यूज़ कर सकता हूँ, अपनी परफॉर्म को बेटर कर सकता हूँ। और जहाँ तक प्लेयर का सवाल है, वो लक में रहता है और लक से आगे कोई नहीं जा सकता। तो मैं उस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि आप अगर खेल रहे हैं तो आप अपनी परफॉर्म पे ध्यान दें, ना कि हमारे साथ में कौन खेल रहा है या हमारी जगह पर कौन खेल रहा है। बहुत अच्छा, क्योंकि लास्ट जो सीज़न उसका गया बहुत अच्छा गया और हम उसमें शांत भी इंक्लूड था हमारे साथ, तो बहुत अच्छा यूनिट रहा है और कॉम्बिनेशन इतना अच्छा सेट है हम लोगों का कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं कौन किस टाइम पे क्या करता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है टीम के लिए भी और एज ए बॉलिंग यूनिट के लिए भी कि किस टाइम पे क्या प्लेयर्स, क्या बॉलर क्या डाल सकता है और क्या क्या हमारे लिए ऑप्शन हमारे लिए ऑन है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और जहाँ तक उसके फ्यूचर का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा उसका स्किल है और जैसा वो मेहनत करता है, बहुत लंबा जाएगा हमारी टीम के लिए। मेरे हिसाब से बेटर यूनिट है क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर ऑप्शंस भी हैं, स्पिनर्स के ऑप्शंस भी ज़्यादा अच्छे हैं और एज ए फास्ट बॉलिंग यूनिट भी हमारे पास है, तो फुल पैकेज हमारे पास है। जहाँ तक आप देखा जाए तो स्पिनर हों, फास्ट बॉलर हों या बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर हों, तो हमारे पास फुल पैकेज है और कंडीशंस भी हमारे पास बेटर होंगी, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए, जैसा आप लोगों को सुनने को मिला है, वैसे ही मुझे भी सुनने को मिला है कि रेस्ट की बात चल रही है, वर्कलोड की बात चल रही है, तो जो वो लोग डिसाइड करेंगे, जो लोग फ्रेंचाइजी डिसाइड करेगी, वो हम लोगों को मानना होगा। और जहाँ तक वर्कलोड का सवाल है, आप देखते ही हैं कि इसमें ट्रैवल इतना ज़्यादा है कि मैच है, ट्रैवल है, प्रैक्टिस है, यही तीन चीज़ें रिपीट होती हैं हमेशा, तो थोड़ा सा लोड लगता है लेकिन आपको रिकवर करने की ज़रूरत है और आपको अच्छा रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है इस चीज़ में, तो वो अगर आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहता है। देखिए, हम लोग जैसे लास्ट सीज़न खेल कर आए हैं, बहुत अच्छा खेले हैं, हार्ड लग रहा है कि हम लोग
सीरीज़ नहीं जीत पाए थे वहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और उस परफॉर्म और उस कंडीशंस को जो एब्जॉर्ब किया है उस हिसाब से हमारे लिए बहुत सूटेबल है जो हमारा स्क्वाड पिक हुआ है उसके लिए, और हमारे जो एक्सपीरियंस रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट प्लेयर ऐसे हैं जो कई बार जा चुके हैं इंग्लैंड टूर पे, सो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ हमारा स्किल और इम्प्रूव हुआ है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए ये डिसाइड तो वो लोग करेंगे, लेकिन अगर जितना हमारे पास, क्योंकि कंडीशंस वैसी हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर बॉलर एक और होगा तो बेटर होगा। अब जो स्क्वाड चुना गया है हमें उस चीज़ पे वर्क करना है कि हमें इस हिसाब से स्क्वाड के हिसाब से हमें अपना वर्क को मैनेज करना है, अपनी टीम को बैलेंस करना है। सो मेरे हिसाब से उनका सोचना भी ठीक ही होगा कि हमारे पास दो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, दोनों बॉल कर सकते हैं और दोनों बैटिंग भी कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि हमारे पास 3 से 4 बॉलर्स ऐसे हैं जो बैटिंग कर सकते हैं, तो शायद उस चीज़ को सोच के वो स्क्वाड बनाए तो बेटर है। जो टीम के लिए बेस्ट है, जो चुना है हम उसके लिए बेस्ट करेंगे अब जो भी हमारे लिए।